हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। कौन सी नेम रिएक्शन है? नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन takes place in aldehydes and ketones which contain at least one alpha hydrogen atom. और जो reaction होती है वो reaction in the presence of dilute base होती है. For example, CH3CHO, ये हमारे पास एक aldehyde है और इसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो इस एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। अगर एल्डिहाइड हमने लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा और अगर कीटोन हमने लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नॉन एज एल्डोल कंडेंसेशन बिकॉज टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंडेंस टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारा बना है अगर हम इसको यहाँ हीट करें तो यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है यानी कि जो सब्सटेंस हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का मिल जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एक एल्डिहाइड और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है मैंने यहां हैंग करके दिखाया है बेस की प्रेजेंस में ये जो एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ये बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो एब्स्ट्रैक्शन पे हमें यहां एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है। ये हाइड्रोजन इस OH आयन के साथ चला गया तो हमें मिला ये स्पीसीज। Now this species attacks on another molecule of aldehyde like this. तो इस तरह से दो aldehyde molecule यहां condense हो जाते हैं। अब जो स्पीसीज बना है ये स्पीसीज मीडियम से हाइड्रोजन आयन लेता है और हाइड्रोजन आयन लेने के बाद ये बना लेता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल विच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इस तरह से हम करते हैं। अब यहां पे इसी के साथ एक रिएक्शन है हमारे पास जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन में जो डिफरेंस है बहुत लिटिल बिट सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस है कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो सेम टाइप्स के होते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कंडेंसेशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच होता है। फॉर एग्जाम्पल one aldehyde is CH3CHO and another aldehyde is CH3CH2.
CH2CHO. Both are the different aldehydes and both are having alpha hydrogen atoms. If two different aldehydes or ketones having alpha hydrogen atoms, then we get four products. Then we get mixture of four products. अब देखें ये जो reaction है, same reaction value and energy difference में, तो जो पहला product आपको मिलेगा, that will be CH3CHOHCH2CH2CHO. दूसरा product जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा CH3CHOHCH2CHO. थर्ड प्रोडक्ट CH3CH2CHOHCH2CHO एंड द लास्ट प्रोडक्ट विल बी CH3CH2CHOHCHCHO and the branch में one methyl group. तो इस तरह से हम चार product का mixture aldol condensation से ले पाते हैं. तो this is cross aldol condensation. तो mechanism समझने के लिए बड़ी simple सी बात मैं आपको बता देता हूँ. जो अभी हमने aldol condensation पढ़ा उससे ये वाला प्रोडक्ट हमको मिला था. आप मैकेनिज्म चेक करिए, CH3CHO से जो aldol condensation हमने पढ़ा है, दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर. दूसरा जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो aldol condensation से मिलेगा इस वाले aldehyde से, और वो प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट है. ये प्रोडक्ट जो दूसरा aldehyde हमारे पास है इसके aldol condensation से हमको मिला है. ये प्रोडक्ट कहां से आया? ये प्रोडक्ट जो आया है इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन निकला है वो अल्फा हाइड्रोजन निकला है यहां से, और जो ये प्रोडक्ट बना है इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन निकला है वो निकला है इसमें ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन निकला है वो निकला है यहां से. तो इस तरह से आप इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म करके देख सकते हैं, और इस तरह से वी कैन गेट मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स व्हिच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. तो स्टूडेंट्स, ये एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरी और भी वीडियोज है मेरे चैनल पे, आप देखिए आपको हेल्प मिलेगी, आपको चीजें समझ में आएंगी. तो मेरी जो वीडियोज है उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और आगे मैं आपको इस तरह की वीडियो भेजता रहूं, आपको वो वीडियो मेरी मिलती रहे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.